उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झला झल दमकने लगे, जलवरेजी ये दावत पे लाखों सलाम। मुअज्जज़ सामीन मोहतरम, शुरकाए जुलूस, कायदीन मोहतरम और तमाम हुज़ूर के गुलाम, उन शुहदाए मिलादुन्नबी जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम, जिन्होंने ज़ख्म खा कर भी मरहबा या रसूलल्लाह के नारे लगाए हैं। और ये तो किसी की खाम ख्याली है ना कि वो ये समझता हो कि हवेलियाँ का मकाम हो या मस्तूंग हो, गोलियाँ हो या बम हो, हम हुजूर का मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे। और ये बात याद रख लें कि आशिकों के रास्ते ना गोलियों से रोके जा सकते हैं ना बम्बों से रोके जा सकते हैं। और उनसे भी ये सवाल है कि जिनके दरवाज़ों पर कुत्ते भी चेकिंग के लिए खड़े होते हैं, क्यों मर्दूदों, जब हुजूर के ग़ुलाम बाहर निकले हैं तो तुम्हारी सिक्योरिटियाँ कहाँ सो रही थी, तुम्हारे जनाब इदारे कहाँ सो रहे थे, तुम्हारी एजेंसियाँ। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, इस चौक से अगले चौक तक तीन बंदे रिपोर्ट करने वाले होते हैं, एक यहाँ पे फूलों वाला इनका नुमाइंदा बैठा हुआ है, यहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक तीन बंदे नुमाइंदा करते हैं, फिर वहाँ आखिरी बैठा हुआ वायरलेस करता है जनाब वो वहाँ पर के जनाब अमीर साहब अब मोटरवे चढ़े हैं या लाहौर के अंदर गए हैं। तुम्हें हमारी तो तकलीफ है कि वो कहाँ गए हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि वो खुदकुश कहाँ से आते हैं, वो बम रखने के लिए कहाँ से आते हैं। और हुजूर के गुलामों पर आज के दिन कायनात में किसको तकलीफ हुई भाई, आज के दिन सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो कौन से मलून है जिन्होंने हुजूर के गुलामों को आज के दिन खून से नहलाया है। और मैंने देखा कि वो जब बम फटा है तो उनके चीथड़े भी उठकर कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग डरे तो नहीं बैठे, मैंनू लगता थोड़े थोड़े डर गए हो, थोड़े थोड़े। फिर लब्बैक का नारा सही करके लाओ, लब्बैक लब्बैक वो जिनको तकलीफ हो रही थी फैजाबाद की, मैं कहा फैजाबाद देखते ही देना दा हिसाब, भाई देना दा हिसाब असी देने हैं ते सठ शुहादा दा हिसाब तुसी दो, लियाओ तुसी कटहरे खड़े हो जाओ, आ जाओ कि आज के दिन मर जाए। ओए दीवारों नू अग लगे तो तुहानू तकलीफ हो जाए तो जनाब हुजूर दे गुलाम खून की होली उत्थे खेल दी जाए किसी कोई पता नहीं। और जनाब कोई बात नहीं, सर्वे तुहाडे भी कह रहे हैं ते यकीन साडा भी पूरा। मौलाना असद साहब ने कह रहे सर्वे तुहाडे भी कह रहे हैं ते यकीन साडा भी पूरा। इकबाल कहना ना कहना कि मैं नहीं देखा कि किधरे माड़ा कुत्ता होवे वो तगड़े कुतरे देखे जनाब लम्बे पै गया होवे, वो खोरियां जरूर कटदा अगो जनाब अपने पंजे शंजे जरूर मारदा, लेकिन इकबाल कहता गुलामी बड़ी अजीब है एक कुत्ते नाल भी बैठी, लेकिन अगे जा कहता गुलामी से पत्थर है बेयकीनी। इकबाल कहता जड़ी बेयकीनी ना गुलामी नाल भी बैठी। तो शाह साहब फरमाते होते हैं कि समा ये बता रहा है कि मुहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। और हुण तां तुहाडे सर्वे भी ये कह रहे हैं कि हुजूर का दीन कह रहे हैं ना सर्वे, इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त तो तैयार है, छोटे छोटे पटाकियां ना नहीं है रोकिया जाना। हाँ अगर
तो आड़े को नहीं हिफाजत हो सकती तो फिर साडा जिम्मा लाओ। इंशाल्लाह सी सारे साडा मिलाद फिर उस दिन यही होएगा कि असी सारे जनाब उस अहले सुन्नत की हिफाजत करेंगे। उस दिन जड़े जड़े हुजूर दे आशिक रोडा उत्ते निकलेंगे असी उन्हां दी हिफाजत वास्ते अपनियां जानां पेश करेंगे। तो सानू कोई टप के जाएगा ना यार एक कादे वास्ते जनाब है फलाने महकमे ते फलाने महकमे फलाने महकमे कि हुजूर दे गुलामां दा तहफ्फुज़ भी ना हो सके। मैं अज पूरी जनाब इत्थे खड़े होकर कह रहा ए मिलाद शरीफ का जुलूस निकलना सी किसे एक इदारे दे कन ते जू नहीं रिखी। ऐ तो तुसा गुजार लिया अज हो गया आखिरी दिन बाबा जी का और सारिया सानू तुहाडी तरफों 5 नवंबर तक मुकम्मल इंतजाम मुकम्मल चाहिए वो सिक्योरिटी होवे वो हर चीज होवे। अगर तुसा ना कीते तो इंशाल्लाह फिर तुहाडे गिरेबान तो पढ़ के अपना हक लवांगे। फिर ये याद रखना डीसी जनाब वो उल्लू दे पुठे हो कि इतने लखां अशकाने रसूल आवन हजारा अशकाने रसूल आवन तुहाडे कोल जनाब सिक्योरिटी देने नूं बंदे कोई नहीं फिर इतों डीसी भी लंघ के सैक्रटेरिएट अगों नहीं जा सकेगा असीं उत्थे ही बैठे होवांगे। तुसां तमाशे लाए होए और शाह साहब उस्ताद साहब फरमाते सन मैं शर्मे मारी अंदर बड़ी तू समझे मैं ही मैं है जी। और जनाब बाबा जी का और सारे ये पहले इंतजामिया कन खोल के अपने कना दी खिड़कियां सारिया खोल के जे कोई इंतजाम किसी किस्म की कमी भी हुई तो डीसी साहब एसी साहब इंशाला सानू तो उत्थे आने की लोड़ ही नहीं पैनी है साढ़े पीपी वाले मुंडे काफी ने उतो इंशाला तमाशा बनाया हुआ यार जो थोड़ा दिल करे अज जनाब इतने जनाब इतना बड़ा जलूस है उतो लैके जड़िया लाइटा चल रही उन्होंने भी बंद कर दिता क्यों जी हजूर के गुलाम गुजर रहे। मैं कहो मरदूतो मैच वास्ते तो सारा कुछ बंद कर दो लेकिन हजूर की आमद वास्ते तो को चार बंद सिक्योरिटी वास्ते नहीं दिते जाते। बस हजूर का दीन आ रहा इंशाला और हजूर का दीन आके रहेगा इंशाला और इंशाल्लाह जिस दिन लबैक की हुकूमत आई फिर असी इन्होंने मना के दसांगे कि हजूर का मिलाद मनाना किस तरह है और हजूर के मिलाद के इंतजाम करने किस तरह बन। ए सब नाहली जनाब साढ़े सिक्योरिटी इदारे की और साड़ी जनाब बलोचिस्तान हुकूमत की बलोचिस्तान के जितने सिक्योरिटी इदारे उन्होंने नाहली है कि अज इतना बड़ा सानिया होया अज के दिन यार पूरी कायनात पूरी दुनिया जश्न ईद मिलाद उन नबी मनाया जा रहा तो किधरों सुनने नहीं मिलेगा ये पाकिस्तान के अंदर क्यों इस वास्ते कि जान बुझ के जनाब खाबे गफलत सुते रहने और ठीक है जी खून मुस्लिम अरजा है सुनिया का खून तो वैसे ही बड़ा जनाब मिठा इधर तो चाहो तो शैल बरसाओ चाहो तो जनाब तेजाब बरसाओ चाहो तो आप फ्रांस को गोलियां मंगा के बरसाओ जनाब बारो जनाब शैल मंगा के बरसाओ और अगर ना बने तो जनाब गैरों जनाब रस्ता खोल दो वो आके बम बरसा देन इतना सस्ता सुनिया का खून नहीं है और इतने सस्ते असी भी नहीं हाँ। ए इंशाल्लाह शोहदाए मिलाद की बरकत नाल इंशाल्लाह हुजूर दा दीन तख्त तैयार आ। हाँ जुल्म आखिर जुल्म है जब बढ़ता है तो मिट जाता है और वो मलून जिनको आज के दिन हुजूर की आमद से तकलीफ है और उन्होंने मिलादुन नबी के जलसे को जनाब जुलूस को इसलिए बनाया कि हम अपनी दहशत गर्दी फैलाएंगे तो तुम्हारे उस धमाकों से तुम मस्तूम करो या कोयटा करो तुम्हारे इन धमकियों और धमाकों से हम डरने वाले नहीं हम तो रात के 11 बजने वाले हैं फिर भी कह रहे हैं आमदे मुस्तफ़ा चेहरा वद्दुहा चेहरा वद्दुहा सरकार की आमद दिलदार की आमद सोहने की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद लजपाल की आमद लजपाल की आमद इंशाल्लाह हुजूर से वफा रहेगी। एक ऐलान और है भाई सुनना ऐलान यह है भाई आपके लिए अभी मिठाई का लंगर भी मौजूद है सामने पकौड़े और जलेबियों का लंगर भी मौजूद है और इंशाल्लाह दरबार शरीफ में आपके लिए बेहतरीन बिरयानी का लंगर भी मौजूद है। आपने ये खा कर करना क्या है ये खा कर करना ये है कि जब अपने घरों में वापस जाना है तो हर तरफ आमदे मुस्तफ़ा मरहबा के नारे लगाने हैं और अपने घर वालों से भी ये जाकर कहना है कि यार बस बड़ी हो गई अब हुजूर का दीन तख्त पर लाना पड़ेगा अब तो हमें मिलाद मनाने के लिए भी हुजूर का दीन चाहिए।
अब तो जनाब मिलाद मनाने के लिए सुकून से और खुश होने के लिए भी और मिलाद को मुकम्मल खुशी के साथ तहफ्फुज के साथ मनाने के लिए भी हुजूर का दीन तख्त पर चाहिए। अगर हुजूर का दीन तख्त पर होता ना, अल्लाह की कसम, आज मिलाद के सबसे बड़े जुलूस में हमारा वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आगे चल रहा होता और आज मस्तूम के अंदर वहां का बैठा हुआ जनाब SHO कर्नल और जनाब MPA वो पहली सब में होता और उनको पता होता कि जनाब सिक्योरिटी कैसे देनी है और जनाब कोयटा के अंदर कोर कमांडर खुद आकर मिलाद के जुलूस की क्यादत कर रहा होता और बताता कि जनाब हमारे होते हुए कोई नहीं जनाब हुजूर के गुलामों पर हमला कर सकता, लेकिन घूम ली और फिर ली कुर्सियों पर बैठकर हुजूर के गुलामों पर जुल्म करवाने वालों, ये याद रखो तुम्हारी रात आखिर छटने वाली है, हुजूर के दीन का नूर का सुबह होने वाली है इंशाल्लाह। हाथ सारे खड़े करो भाई, सारे हाथ खड़े करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब मैंने कहना है ताजदारे खत्म नबुव्वत, आपने कहना है मरहबा मरहबा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। शेर जोर लागे ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मरहबा मरहबा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा।